नमस्कार। देश की संसद में जनहित से जुड़ी चर्चाओं पर आधारित कार्यक्रम संसद संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। आदिवासियों, किसानों, वनवासियों को रोजगार देने वाले और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017 संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में पास हो गया। पारित विधेयक में गैर वन क्षेत्र में उत्पादित बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटा लिया गया है। संशोधन से किसान को बांस की खेती, कटाई और ढुलाई के मौजूदा पाबंदी से छूट मिलेगी। मौजूदा कानून में बांसों की कटाई और परिवहन के लिए अनुमति की जरूरत पड़ती थी। विधेयक भारतीय वन संशोधन अध्यादेश 2017 का स्थान लेगा। इसके माध्यम से 90 साल पुराने 1927 के मूल कानून में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। श्री दिलीप कुमार तिर्की, मेरी पार्टी और मैं इस विधेयक को विरोध करती है। जिन राज्यों में बांस उत्पादन नहीं होता है वहाँ हमारे राज्यों से बांस जाता है, पर इसके लिए राज्य सरकार की इजाज़त लेनी होती है, लेकिन अब इस विधेयक में अनुमति लेनी नहीं होगी। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि ये प्रावधान करने से आप किसके हितों के लिए करने जा रहे हैं, व्यापारियों के लिए या राज्य सरकार के लिए? बस हुई कटाई और उन्हें कहीं ले जाने के लिए इजाज़त देकर आप गरीबों का, किसानों का, वनवासियों का भला नहीं कर रहे हैं। महोदय, वनों के लिए, जंगलों के लिए सभी राज्यों के अपने अलग अलग कानून बनी हुई हैं। हमारे ओडिशा राज्य में भी वन सुरक्षा समितियां हैं जो वनों का संरक्षण करती हैं। वन उत्पादनों के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ग्राम सभाओं की अनुमति की जरूरत होती है। इस संशोधन से राज्य सरकार के साथ साथ ग्राम सभाओं और वन सुरक्षा समिति के अधिकारों को भी कटौती कर रहे हैं। हमें ग्राम सभाओं को और मजबूत करने की ज़रूरत है, उनके अधिकारियों को कटौती करने की नहीं। महोदय, मुझे लगता है कि ये संशोधन करके सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। महोदय, गरीबों और आदिवासियों के जीवन में बांस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप इस संशोधन के जरिए आदिवासियों का कतई भला नहीं कर सकते। ऑलराइट महोदय, विधेयक में कहा गया है कि इसके प्रावधान गैर वन क्षेत्रों में उगाए गए बांस पर ही लगाई ही लागू होगा, परंतु मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि बांसों से लदी गाड़ी जब फॉरेस्ट चेक गेट से गुजरेगी तो फॉरेस्ट गार्ड को कैसे पता चलेगा कि जो बांस लदा हुआ है वो फॉरेस्ट लैंड का है या गैर फॉरेस्ट लैंड का? महोदय, इस तरीके से विधेयक लाने से पहले आप राज्य सरकारों की राय लेनी चाहिए। थैंक यू श्री हरिवंश। धन्यवाद उपसभापति जी। मेरी दृष्टि में यह कानून लाइसेंस, कोटा, परमिट, राज की लीगेसी पर प्रहार है। हम सब ग्राम सभाओं के पक्षधर हैं, पर सारे कानून रहते हुए जंगल हमारे देश के कैसे खाली हो गए, खत्म हो गए, विस्तार से समय होता तो मैं बताता। दरअसल यह कानून जिन गरीबों की चीज अपनी है उन्हें वह चीज देने का अधिकार सुनिश्चित करता है। इससे अवसर मिलता है कि नॉन फॉरेस्ट एरिया में भी बांस का उत्पादन बढ़े। इस देश में बड़े पैमाने पर वेस्टलैंड है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 225,000 करोड़ हेक्टेयर जमीन जो बंजर धरती कही जाती है, इस पर लोग बांस लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और बांस का उत्पादन देश में बढ़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कि बांस का जितनी जरूरत इस देश को आज है उसका आधा ही हमारे पास उपलब्ध है, यानी बांस की मौजूदा जरूरत देश को 2.8 करोड़, यानी लगभग 3 करोड़ टन है, इसका आधा ही हमारे देश में उपलब्ध है, बाकी हम दुनिया के दूसरे बाजार से लाते हैं।
मुझे उम्मीद है कि इस कानून के संशोधन से हमारी स्थिति दुनिया के बाजार में मजबूत होगी। चौथी चीज कि 2015 में भारत ने 18.01 मिलियन क्यूबिक मीटर टिम्बर व अन्य चीजों का इंपोर्ट किया, जिसकी कीमत 43,000 करोड़ रुपए है। उम्मीद है कि इस कानून के पास होने से हम बांस का उत्पादन बढ़ाएंगे, इससे जुड़ी और चीजों का उत्पादन यहाँ बढ़ेगा, तो इस इंपोर्ट बेल में कमी आएगी और जो 2 करोड़ लोग बांस के उत्पादन में आज लगे हैं, इससे एक बड़े मार्केट के खड़ा होने की संभावना बनती है। इस कारण हम लोग इसके पक्ष में हैं। धन्यवाद। थैंक यू। नाउ श्रीमती जरनदास वैद्या। फर्स्ट आई अपोज द इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल्स 2017। इन द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स बैम्बूस ग्रोज अबाउंडेंटली इन द फॉरेस्ट एंड प्लेन्स। देयर आर मेनी रेस्ट्रिक्शंस इन कटिंग ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट्स। सो मेनी पीपल आर ग्रोइंग bamboos in their private land and commercial purpose. Now bamboo is considered a tree as per forest act. So there is a lot of restrictions in transporting bamboos within a state and between states. Once bamboo is removed from definition of trees in the forest act, bamboo growers can freely take it any part of the country. This will help them to get a good price for bamboos. Bamboos are raw materials for producing palm, paper, rayon, etc. Since Tripura is a backward state and has a good reserve of bamboos, I request the central government to establish a palm and paper mill. This will help the state to get industrialized, because a large number of ancillary industries will be started when palm and paper are being produced. Also, a large number of handicraft articles can be purchased, which will create a lot of jobs for both young men and women of my state and neighboring states. Thank you, sir. Thank you, Vaidya ji. Good. Now, Sri Ashok Siddharth. मानवर, जहाँ तक बांस की खेती का प्रश्न है, बांस के किसानों को प्रोत्साहन देने का प्रश्न है इस बिल के माध्यम से। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज देश में भूमाफिया, वन माफिया, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया, जल माफिया, तमाम तरह के माफियाओं के द्वारा और उनके माध्यम से इस देश के पूंजीपति उद्योगपति देश के किसानों की उपज का लाभ लेते हैं। मानवर, उनकी उपज का 1.5 गुना मूल्य देने का जो वादा किया था 3.5 साल के लगभग सरकार होने जा रही, आज तक पूरा नहीं किया गया। तो इसकी क्या गारंटी इस माध्यम से भी कि बम्बू के किसान जो पूर्वोत्तर राज्य हों, चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर भारत के क्षेत्र के रहने वाले जो आदिवासी किसान हो, दलित किसान हो, पिछड़े वर्ग के किसान हो, उनको पूंजीपतियों या उद्योगपतियों से छुटकारा मिलेगा? और क्या सरकार बैम्बू के उत्पादन का 1.5 गुना मूल्य उत्पादन देने का काम इस बिल के माध्यम से करेगी? जैसा कि मैं जानता हूं कि बम्बू की खेती 3 से 5 वर्ष में तैयार होती है, तो जो छोटे किसान हैं 3 से 5 वर्ष तक अपना परिवार कैसे पालेंगे, उसके लिए कोई सब्सिडी या कोई आर्थिक सहयोग की व्यवस्था की गई है? थैंक यू सर। नाउ श्री डी राजा। सर, थैंक यू सर। I rise to oppose this bill. I think there was no need for this ordinance. Government should not have resorted to ordinance route on this issue. Sir, bamboo is actually a kind of grass. During British rule, bamboo was classified as a tree in the forest law. This allowed the forest department to control cutting, selling and transporting of bamboos. Sir, in the Forest Rights Act 2006, bamboo has been included as a minor forest produce. So people have the rights on it, over it. However, the Indian Forest Act was not amended. The forest officials have
continued to illegally, I use the word illegally stop people from harvesting and selling bamboo on forest lands. Sir, in this, against this background, now the new bill only says that bamboo outside forest will not still be considered as tree. It means what? You are trying to benefit the private owners, land owners. It means you want to help the paper companies. It means you want to help the private industries. On the other hand, the tribal people, the forest dwellers will be deprived of their rights, of their access to the forest wealth. That is why I strongly oppose this bill, and this bill is not in the interests of tribal people. This bill is not in the interests of the forest dwellers. If at all it benefits private industries and companies. That is why this bill needs to be deferred, and government should rework on this bill and make consultations, have broader consultations, keeping in view the interests of the country, keeping in view the interests of the tribal people and foreign dwellers. That is why I oppose this bill. Okay. Sir, अपने देश में जंगल बढ़ना चाहिए, ये सबकी इच्छा है, और जंगल में जो बसते हैं, ट्राइबल्स भी है, नॉन ट्राइबल्स भी है, वनवासी है, उनको भी संरक्षण भी मिलना चाहिए, उनको उपजीविका भी मिलनी चाहिए, लाइवलीहुड भी मिलना चाहिए, ये भी सबके राय है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, चंदन का पेड़ भारत की पैदाइश है, भारत की विशेषता है। हमने ऐसे बंधन नियमों के कर दिए, फार्मर्स स्टॉप ग्रोइंग एंड देयरफॉर नाउ ऑस्ट्रेलिया हैज बिकम द मेजर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैंडलवुड एंड सैंडल प्रोडक्ट्स, वी आर इंपोर्टिंग। एक्सैक्टली, सो दिस इज हाउ नॉट टू ग्रो फॉरेस्ट। किसान पेड़ तभी लगाएगा जब वो बेच सकेगा, किसान तभी पेड़ लगाएगा जब वो ट्रांसपोर्ट कर सकेगा, और ये व्यवस्था हो सकती है कि जंगल के वृक्षों को बड़े कड़ाई से संभलना चाहिए, लेकिन जंगल के बाहर जंगल नहीं होना चाहिए क्या? प्राइवेट जंगल होना चाहिए। मेरा एक ही आग्रह है सभी सदस्यों से कि जंगल बढ़ाने के रास्ते में हम ऐसे कंट्रोल की मानसिकता को, जो बहुत नुकसान हुआ है, उसको छोड़ना चाहिए। Very important points were raised here. Even the chair had some apprehension doubt. For example, the case of sandalwood you said. I was always wondering, because sandalwood is grown in some area in Kerala, in small. It is a very costly product. Nobody else can grow it. I went to a house one day, and they had a sandalwood tree, and they were telling me, we have a sandalwood tree, we are telling nobody. So why? If people can be allowed to grow it, what is wrong? I don't know. I am not making an observation. I am only raising a doubt. Shri Shankarbhai N. Vagate. Deputy Chairman Sahab, pehle ke van adhiniyam ke baas ke ek ghas hote huye bhi vruks ki vyakhya mein aata tha. Is sanshodhan se baas ko ghas hi माना जाएगा। बांस एक बड़ी आमदनी का विषय है। अगर किसानों को बांस की खेती करने का काम मिलता है तो किसान की आय बढ़ेगी। बांस की खेती से खाली किसान की आमदनी बढ़ेगी नहीं, ओबीसी एसटी जो आदिवासी जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी, उसकी भी आमदनी बढ़ेगी। ये बांस की खेती ऐसी है कि हिंदुस्तान के हर स्टेट की आबोहवा में वो बांस की खेती हो सकती है। इसीलिए मैं मंत्री जी को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि बांस की जो खेती होती है उसका जो बीज है, उसकी बीज का ऐसा एक विकसित किया जाए प्रयोगशाला में कि जल्दी से जल्दी बांस की फसल हो जाए, और बेहतरीन तरीका से ये बांस हमारा किसान और खेत मजदूर उसको उगा सके। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बांसवाड़ा है। पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट में बांस की खेती होती थी, और पूरा डिस्ट्रिक्ट की जो पब्लिक है,
जो आबादी है उसकी बांस की खेती के ऊपर उसकी निर्भर थी, उसकी आजीविका थी। इसके लिए इसके इस डिस्ट्रिक्ट का नाम बांसवाड़ा रखा गया। हमारे गुजरात में एक डांग डिस्ट्रिक्ट है, डांग जिला, तो वहाँ भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में बांस की खेती थी, बांस का जंगल रहता था, इसके नाम के ऊपर वहाँ डांग जिला पड़ा है। तो ये आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की सभी राज्यों में ये बांस की खेती हो सकती है, और आप इस बिल को पारित करेंगे तो पूरे इंडिया का जो बेरोजगार है उसको रोजगारी मिलने का। थैंक यू भाई जी, धन्यवाद शंकरभाई जी, धन्यवाद। नाव श्री तिरुचि शिवा सर, फॉरेस्ट कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, वेरियस स्टेट्स हैव डिफरेंट लॉस इन प्लेसेस एंड सो बिफोर पासिंग दिस ऑर्डिनेंस the states should have been consulted and which have not been done so far. When they say that bamboo, this bill has been brought in the benefit of the non-forest farmers, I just would like to, I think the minister can clarify, if some person cuts the bamboos in a forest area, since there is no permit, he takes it as if it is his own, what are the measures you are going to curtail that? And it will be deforestation. So there must be something to read between the lines. And second, sir, the gram panchayats are the deciding factors of the permits. And that powers are also taken away. So, sir, we are compelled with no other option than to oppose this bill. Thank you very much. Thank you very much, Rishi ji. Thank you very much. Srimadi Viplava Thakur. मैं ये जो लाए हैं, मुझे लगता है कि NDA सरकार की एक आदत बन गई है ऑर्डिनेंस करने की। जब भी सेशन आने वाला होता है उससे कुछ पहले कोई ना कोई ऑर्डिनेंस कर देते हैं। इससे ये पता लगता है कि इनको प्रजातंत्र में विश्वास ही नहीं है। केवल बिल लाने से, ऑर्डिनेंस लाने से तो किसानों की आमदनी नहीं बढ़ने लगी। हमारे ट्राइबल एरियाज में बैंबू नहीं है, हमारा ट्राइबल एरिया स्नो बाउंड एरिया है, वहां के किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाएंगे आप? उसके लिए कुछ सोचा है? ऐसे ही हमारे यहां हिमाचल में खैर है, खैर हमारे यहां एक कैश क्रॉप है, लेकिन वो भी फॉरेस्ट के अंदर लाई गई है और आज किसान उसका फायदा नहीं उठा सकते, उससे कत्था बनता है। आपको पूरी स्टेट्स को इसमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। आप खत्म करते जा रहे हैं फेडरल सिस्टम को। किसान अगर आप करना ही चाहते हैं, किसान के भले के लिए करना चाहते हैं, कुछ प्रदेशों का मत सोचिए, पूरे देश के किसानों का सोचिए। तो इसलिए मैं, हम अपनी पार्टी की तरफ से, अपने उनकी तरफ से इसका विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, धन्यवाद। नाव श्री राम विचार नेतम। सभापति महोदय, मैं खुद ट्राइबल हूँ और मैं, मुझे मालूम है कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लेकर के हमारा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ये जो ट्राइबल बहुल स्टेट हैं, इन स्टेटों में बांस का जो बेहतर उपयोग लोग करते हैं, धार्मिक भी उसका महत्व है, उसका सामाजिक रीति रिवाज में भी उसका उपयोग होता है, और लोगों का आर्थिक उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए भी बांस से जो उत्पादित जो वस्तुएं हैं उसका जो मार्केट में आता है तो उसका एक बहुत अच्छा उपयोग होता है, उसे आय में बढ़ोतरी होती है। सभापति महोदय, सच्चाई तो ये है कि आज इस संशोधन के लाने से और जिस प्रकार से उन्हें रोका जाता था, टीपी के लिए कितना भटकना पड़ता था, उससे इससे छूट मिल जाएगी और कहीं भी उसे मार्केट मिल जाएगा, कहीं भी अपना खेत में भी अगर वो पैदा करता है बांस तो कहीं भी ले जा कर के बेच सकता है, चाहे वो टेंट हाउस को दे या फिर किसी फर्नीचर वाला को दे के ही, और जरूरत हो वहाँ दे, कहीं भी ले जाएगा। मैं खुद जो है, मैं जब अपने घर का काम कर रहा था उस समय बांस की मुझे आवश्यकता थी तो मैं बांस दूसरे यहाँ से या किसी किसान के यहाँ से ले जा रहा था, उस बांस का जब्तीनामा बनाया गया। ये स्थिति है। अब इस कानून के लाने से, संशोधन लाने से, जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें एक तो प्रोत्साहन मिलेगा, दूसरी बात को उसे एक अच्छा मार्केट मिलेगी, उनको एक अच्छा रेट मिलेगा, अच्छा रेट मिलेगा तो उनका आय में बढ़ोतरी होगी। मैं समर्थन के साथ साथ उन्हें मैं बधाई देता हूं कि आज जो है इन्होंने इतना अच्छा बिल लाया है। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।
Subbarami ji, you can reply. I would like to know, my good friend Mr. Harshvardhan, whether they have considered the states, whether the states have raised any concern because it will take away their powers to issue permits to regulate the movement. The next point is, one doubt, it poses a challenge for the forest guards to actually check posts because they may find it difficult to distinguish between the bamboo originating in the forest area and non-forest area. So I think government has to devise some method by which the trouble will not come. Another last point I would like to say, cane should be also deleted from the definition of tree because cane is the long, hard, hollow stem or particular plants as, such as bamboo, sometimes used to make furniture and support other plants. रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बने रहिए हमारे साथ, जारी है संसद संवाद। There is no encouragement in this country for people to grow bamboo in non-forest areas. This amendment has been brought because we want to improve the income of the farmers, we want to improve the income of the poor people. किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को पूरा करने और ग्रामीण और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017 संसद के शीतकालीन सत्र में पास हो गया। पारित विधेयक से बांस से जुड़े लोगों को गैर वन क्षेत्र में उत्पादित बांस से जुड़ी पाबंदियों से निजात मिलेगी, जिससे उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। आइए देखते हैं चर्चा का अगला अंश। I have to thank all of them who have supported, or even them also who have expressed some apprehensions, because this gives me an opportunity to clear all those misgivings. Sir, this amendment has been brought because we want to improve the income of the farmers, we want to improve the income of the poor people. I gave all the statistics also that whatever we produce, we need at least twice of that in this country. I also said that there are so many restrictions that have been imposed upon people over the years, because of which there is no encouragement in this country for people to grow bamboo in non-forest areas. सर, इस विषय के ऊपर करीब 26 स्टेट्स और यूटीज ने रिस्पॉन्ड किया, नंबर एक। 24 स्टेट्स और यूटीज ने हमारे इस प्रपोजल को सपोर्ट किया है आज की तारीख में, और अभी कुछ स्टेट्स जिनके साथ, जिनका अभी रिस्पॉन्स नहीं है, उनके साथ वन टू वन हमारे गवर्नमेंट का, हमारे डीजी फॉरेस्ट का, वहाँ के जो चीफ है फॉरेस्ट के, उनके साथ मीटिंग्स हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मीटिंग हो रहा है, यानी द एक्टिव प्रोसेस इज ऑन। व्हेन दिस होल प्रोसेस हैज स्टार्टेड, तो इसका जो सबसे पहली जो एडवाइज, एक लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट है एडवाइजरीज की जो यहाँ से इशू की गई है टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन दिस इशू टू मेक नेसेसरी अमेंड्स, और उस संदर्भ में जो पहली एडवाइजरी है वो एडवाइजरी की डेट है 14 मई 2013 को भारत के अंदर कौन सी सरकार थी, उसके बाद 18/11/2014, फिर 18/5/2017, फिर 19/5/2017, फिर 13 जून 2017, फिर 7 जुलाई 2017, फिर 12 सितंबर 2017,
फिर 6 अक्टूबर 2017, फिर 9 अक्टूबर 2017, फिर 23 नवंबर 2017, 30 ग्यारह 2017 और फिर 22 12 2017, यानी इतने तो ऑफिशियल मेरे पास रिकॉर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं कि भारत सरकार ने इस विषय पर इसकी गंभीरता को समझते हुए इस विषय के कारण लोग कितना तकलीफ में हैं, हमारे को इसको कितनी जल्दी करना चाहिए। इसलिए जो लोगों ने बार बार सवाल किया कि इतनी इमरजेंसी क्या थी आपको, क्यों आपने इतनी जल्दी इसको किया, और अगर मान लीजिए हमने ऑर्डिनेंस किया भी तो ऑर्डिनेंस के अंदर ही लिखा हुआ है कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट बिफोर द पार्लियामेंट। सर आई विश टू क्लैरिफाई मोर पर्टिकुलरली टू अवर फॉर्मर एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री जयराम रमेश जी अबाउट द कंसर्न्स एंड द अप्रिहेंशन दैट ही हैज एक्सप्रेस। द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 डिफाइंस बैम्बू एज ए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस whereas the bamboo is considered as tree as per the Indian Forest Act 1927. This was found in conflict with the recognition of forest rights of the tribals and other forest dwellers under the Forest Rights Act 2006, which vests the forest rights and the occupation in forest land in forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forest for generations but whose rights could not be recorded. Further, the provision of the panchayats extension to the scheduled areas act 1996, it empowers the gram sabha endowing the and ownership of minor forest produce. As per FRA, bamboo comes under minor forest produce. Hence, to bring harmonization and integration with these two acts, that is FRA 2006 and PESA PESA 1996, there was great need and urgency to avoid such misconception about the different legal positions of bamboo under different acts. This intervention will facilitate in the implementation of FRA 2006 also and PESA 1996 in the country. The tribal and the other traditional forest dwellers will be highly benefited by getting the forest rights under the FRA. Benefit of FRA is that SNT and other traditional forest dwellers can collect bamboo from forest area. They will continue collecting bamboo from forest area. Therefore, there will be no impact of this amendment on tribals living in the forest. Sir, then he has mentioned about the camper rules and all. So it is just for his information, they are in the process of being finalized. He knows the finalization. And once finalized, they are going to be put in the public domain for consultation with all the stakeholders, including public, NGO, and government ministries, etc. Mr. Reddy just now mentioned about this cane thing also. You see, unlike bamboo, the cane is purely a forest species, which requires shade of trees, and therefore it cannot be and is not being grown outside forest. That is why cane is not excluded from the definition of. Sir, we are committed for the welfare of the people of India. We are committed for the welfare, more particularly of the poor people of India, for the laborers of India, for the farmers of India, and we are committed to alleviate each and every suffering of the people of India. सांसदों ने माना कि हमारे देश में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई कार्यों में बांस की कई तरह से जरूरत होती है। इस संशोधन से बांस व्यवसाय से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े लोगों को बांस की पर्याप्त आपूर्ति हो सकेगी। सांसदों की आशंका का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि व्यापक जनहित में ये विधेयक लाया गया है। देश को भारतीय वन संशोधन विधेयक के लिए 90 साल इंतजार करना पड़ा। विधेयक में 1927 के मूल कानून में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से ग्रामीण और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। चर्चा के बाद कांग्रेस सदस्य टी सुब्बारामी रेड्डी ने संशोधन अध्यादेश 2017 को निरस्त करने की मांग वाले अपने संकल्प को वापस ले लिया। लगभग 2.5 घंटे चली इस चर्चा में 12 राजनीतिक दलों के 17 प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। चर्चा के दौरान पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार संभाल चुके केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी विधेयक की जरूरत पर अपने विचार रखे। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। संसद संवाद के अगले अंक में देश की संसद में जनहित से जुड़ी किसी अहम चर्चा के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।
Bye.